For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सनी देओल के बेटे करण देओल अगले महीने फिल्म पल पल दिल के पास के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं और हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर भी अनवील कर दिया। करण देओल के इस टीजर को देखकर नेटिजंस काफी इम्प्रेस हुए हैं। साथ ही इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ने भी करण देओल को अपने डेब्यू के लिए मोटिवेट किया। अब न्यूबीज को मोटिवेट और प्रमोट करने की बात आती है तो सलमान खान का नाम सबसे आगे होता है और इस बार भी वही हुआ। जी हाँ, सलमान खान ने पल पल दिल के पास है का टीजर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए सनी देओल और करण देओल को बधाइयां दी। सलमान खान ने लिखा, बेस्ट विशेस करण, वेलकम टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विद पल पल दिल के पास। वेल, सलमान खान के इस जेस्चर ने सनी देओल को इतना इमोशनल कर दिया कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सलमान को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, थैंक्स एट द रेट बींग सलमान खान, योर विशेस मीन्स अ लॉट। वाकई में सनी देओल और सलमान खान के इस इंटरेक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में आज भी लोगों की दोस्ती काफी स्ट्रांग हो सकती है ना? हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। बिग बॉस सीजन 13 बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन इस बार जो है कंटेस्टेंट्स लिस्ट को लेकर बहुत सारी अजम्पशंस ऑलरेडी चालू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंफर्म कंटेस्टेंट मेरे पास आ चुके हैं और वो है नन अदर देन सलमान खान के बेटे। अरे टेंशन मतलब सलमान खान के रियल लाइफ बेटे नहीं बल्कि रियल लाइफ बेटे। जी हाँ, सलमान खान के वन ऑफ द फिल्म्स में उनके बेटे का किरदार निभा चुके आदित्य नारायण। जी हाँ, आदित्य नारायण बिग बॉस के कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं, जहाँ की ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि डेफिनेटली आदित्य नारायण जो हैं वो बिग बॉस में इस बार नजर आने वाले हैं। और उसी बात को लेकर र्यूमर्स फुल ऑन जोरों शोरों पर है और ऐसा कहा जा रहा है कि अच्छी खासी रकम ऑफर की गई है और सलमान ने खुद भी कहीं ना कहीं इस बात को आदित्य से कहा है कि यू शुड कम टू बिग बॉस सीजन 13। अब देखना ये होगा इसमें कंफर्मेशन कितनी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए मूवीज अड्डा के साथ, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको लगातार अपडेट देती रहूं बिग बॉस सीजन 13 से लेकर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सनी देओल के बेटे करण देओल अगले महीने फिल्म पल पल दिल के पास के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। धर्मेंद्र के इस पोते के डेब्यू की चर्चा काफी समय से चल रही थी और मेकर्स ने कल ही इस फिल्म का टीजर भी दिखाया है। अब जैसे ही ये टीजर अनवील हुआ, नेटिजंस इसे देखकर काफी इम्प्रेस हुए हैं। साथ ही इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ने भी करण देओल को अपने डेब्यू के लिए मोटिवेट किया और न्यूबीज को मोटिवेट और प्रमोट करने की बात आती है तो सलमान खान का नाम तो सबसे पहले होता है और इस बार भी वो पीछे नहीं हटे। जी हाँ, सलमान खान ने पल पल दिल के पास के टीजर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए सनी देओल और करण देओल को बधाइयां दी है। सलमान ने लिखा, बेस्ट विशेस करण, वेलकम टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विद पल पल दिल के पास, एट द रेट आई एम सनी देओल, हैशटैग करण देओल। वेल, तो सलमान खान के इस टचिंग जेस्चर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हॉट सीट पर बैठने के लिए रेडी हो जाइए। वेल, बात कर रही हूं मैं कौन बनेगा करोड़पति की। वेल, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। हॉट सीट लेकर आ गए हैं हम सबके बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन। जी हाँ, 19th of August 2019, यानी कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा वापस से वही हॉट सीट, वापस से वही सवाल जवाबों का सिलसिला, वापस से वही चार ऑप्शंस और वापस से वही चार लाइफलाइंस। जी हाँ, यानी कि अनगिनत सवाल, अनगिनत खुशियां, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी मोमेंट्स, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है 19 अगस्त से। फाइनली एक प्रोमो आउट कर दिया गया है केबीसी का। भाई, केबीसी एक ऐसा शो है जो सालों साल चलता आ रहा है, लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं केबीसी देखना, अमिताभ बच्चन को देखना। और आप लोग अमिताभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जहां तक मेरा सवाल है, जितना मैं समझ पा रही हूं, अमिताभ जी के अलावा किसी भी और होस्ट को, किसी भी और इंसान को उस हॉट सीट पर, हॉट सीट के सामने होस्ट बनते हुए देखना शायद मुलाजिम नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ अमिताभ जी हैं जो वहां पर जचते हैं, जैसे कि बिग बॉस में जैसे सलमान जचते हैं वैसे यहां पर सिर्फ अमिताभ जचते हैं। सो इस बात पर आपकी क्या राय है वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करके मुझे बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कश्मीर मुद्दा धारा 370,
मोदी जी थैंक यू सो मच, हमारा कानून वहां पे लागू हो गया है, कश्मीर हमारा हो गया है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू मोदी जी, यू आर द बेस्ट, आपके जैसा कोई नहीं. हमारा नेता कैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, मोदी जी जैसा हो. सो मोदी जी आप जियो करोड़ों हजारों साल, और हम सब आपका वंश है. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई प्रोड्यूसर डायरेक्टर धारा 370 के मुझे कास्ट किया इस फिल्म में. एंड हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं, पूरा कश्मीर में कुल्लू में हमने शूटिंग करा है, और बहुत जल्द धारा 370 जो हमारी फिल्म आने वाली है, और हाँ पूरी शूटिंग हमने वहां पर करी. सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया धारा 370 का. एंड थैंक्स टू मोदी जी कि आपने मेरी बात सुनी और आपने कानून लागू कर दिया. थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात सुनी. कश्मीर मुद्दा धारा 370, मोदी जी थैंक यू सो मच, हमारा कानून वहां पे लागू हो गया है, कश्मीर हमारा हो गया है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू मोदी जी, यू आर द बेस्ट, आपके जैसा कोई नहीं. हमारा नेता कैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, मोदी जी जैसा हो. सो मोदी जी आप जियो करोड़ों हजारों साल, और हम सब आपका वंश है. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई प्रोड्यूसर डायरेक्टर धारा 370 के मुझे कास्ट किया इस फिल्म में. एंड हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं, पूरा कश्मीर में कुल्लू में हमने शूटिंग करा है, और बहुत जल्द धारा 370 जो हमारी फिल्म आने वाली है, और हाँ पूरी शूटिंग हमने वहां पर करी. सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया धारा 370 का. एंड थैंक्स टू मोदी जी कि आपने मेरी बात सुनी और आपने कानून लागू कर दिया. थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात सुनी. भाई खान्स का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात होती है. यस वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक. ऐसा मैंने इसीलिए कहा बिकॉज जब से करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास का टीजर आया है, तब से साहिर और करण की बहुत तारीफें हो रही है. हर कोई इंडस्ट्री का न्यूबी उन्हें समझकर यू नो काफी वार्म वेलकम देने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में शाहरुख और सलमान खान एक साथ आ गए हैं करण देओल को सपोर्ट करने और उनको वेलकम करने. जी हाँ, हाल ही में सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, साथ ही साथ शाहरुख खान, इन दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर करण को और साहिर को बधाइयाँ दी है उनके ब्यूटीफुल टीजर के लिए, और साथ ही साथ वेलकम किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. और दोनों खान्स ने एक तरीके से अपनी दोस्ती की एक और मिसाल साबित कर दी है कि यू नो हर जगह पे ये दोनों खान्स एक साथ नजर आते हैं लोगों को सपोर्ट करते हुए, लोगों को हेल्प करते हुए. वहीं पर अगर मैं बात करूँ सनी देओल की, तो सनी देओल के साथ सलमान खान ने काफ़ी पिक्चरें भी की है. जीत वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म मानी जाती है. और अगर मैं बात करूं शाहरुख की, शाहरुख भी सनी देओल को काफ़ी अच्छे दोस्त मानते हैं. तो इस तरीके से कुछ इंडस्ट्री में जो है वो दोस्ती का माहौल आ जाता है जब भी कोई अपना इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहा होता है. आपको करण की एंट्री कितनी पसंद आई इस टीजर में, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ. सलमान खान है सोनाक्षी सिन्हा से बेहद खफा. यस, क्या स्टोरी है चलिए बताती हूँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक. दोस्तों सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा, ऑफकोर्स सोनाक्षी के करियर को बूस्ट करने वाले ही सलमान खान हैं जिन्होंने उन्हें रियलाइज करवाया दैट शी शुड बी एन एक्ट्रेस. उससे पहले जब सोनाक्षी सिन्हा फैशन शो में असिस्ट किया करती थी, उन्हें फैशन डिजाइनर बनना था, उस वक्त की बात है जब सोनाक्षी सिन्हा जो है काफी हेल्दी हुआ करती थी, थोड़ा वेट ज़्यादा था उनका. उस वक्त पर सलमान खान से जब वो टकराई थी, क्योंकि उनको काम दिया गया था कुछ फैशन शो के दौरान, जब वो टकराई सलमान खान से, तो पहला सवाल जो सलमान ने पूछा वो पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो. तो तब सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ और ऐसा ऐसा है. तब सलमान ने उन्हें कहा आर यू गेटिंग पेड फॉर दिस. तो सोनाक्षी ने कहा कि येस आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस. तब सलमान ने उनके सामने ये बात रखी, तो तुम्हारी पहली सैलरी से क्या तुम मुझे डेट पर लेके जाओगी, जो कि सोनाक्षी सिन्हा आज तक उन्हें लेकर नहीं गई. जी हाँ, अपनी पहली सैलरी से डेट पर ले जाने की मांग की थी सलमान खान ने, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा नहीं लेकर गई उनको डेट पर अपने साथ अपनी पहली सैलरी से. और ये सारी बातें सोनाक्षी सिन्हा ने रिवील की कपिल शर्मा के शो पर, जहां पर वो नजर आई अपनी फिल्म खानदानी शिफा खाना को प्रमोट करते हुए बादशाह के साथ. साथ ही साथ काफी नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स भी दिए उन्होंने और कहा कि आज तक भी सलमान खान जो है वो इस बात को लेकर उन्होंने टॉन्ट जरूर करते हैं और मस्ती मजाक में उन्हें चिढ़ाते जरूर है कि तुम तो मुझे अपनी पहली सैलरी से डेट पर भी लेके नहीं गई. तो कुछ इस तरीके से था ये स्वीट सा इंसिडेंट. आप क्या कहना चाहते हो इस चीज के बारे में, और साथ ही साथ सलमान और सोनाक्षी की बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि सलमान हमें
हमेशा से सोनाक्षी को टीज करते हुए जरूर नजर आते हैं। वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और जैसा आप सब जानते हो कि रज्जू और चुलबुल पांडे बहुत जल्द एक साथ नजर आने वाले हैं दबंग 3 में, सो कितना एक्साइटेड हो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताओ। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ।